सेल नेट ज्ञान की इस अध्याय में आपका स्वागत है मैं हूं अभिकांत सिंह अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें अन्य लोगों के साथ शेयर करें नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वेल आइकन को प्रेस करें चलिए आज का अध्याय शुरू किया जाए आज का टॉपिक है इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इसके अंतर्गत हम लोग कंप्यूटर के सारे इनपुट डिवाइस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कीबोर्ड अ कीबोर्ड इज अ टाइप राइटर स्टाइल डिवाइस विच यूजेज एंड अरेंजमेंट ऑफ बटन्स और कीज टू एक्ट एज इलेक्ट्रॉनिक स्विचेज। दिस इज द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस इट कंटेन्स अ टोटल वन हंड्रेड वन टू वन हंड्रेड फोर कीज यानी कीबोर्ड एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड से पहले टाइपराइटर का आविष्कार हुआ था अतः कीबोर्ड को टाइपराइटर स्टाइल डिवाइस कहा जाता है क्योंकि कीबोर्ड टाइपराइटर के आधार पर ही विकसित किया गया है इसमें 101 एक से लेके 104 की तक होते हैं कुछ की कम भी हो सकता है कुछ ज़्यादा भी हो सकता है जैसे किसी में 102 होगा 103 हो सकता है 104 हो सकता है ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड है क्योंकि कुछ की ऐसा है जो दो है जैसे कंट्रोल की दो है शिफ्ट की दो है अल्ट की दो है ऐसे करके कुछ की कम जाता है या बढ़ जाता है कुछ ऐसे कीबोर्ड भी आते हैं जिसमें 104 से ज़्यादा भी की होता है जिसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड कहते हैं लेकिन स्टैंडर्ड कीबोर्ड जो होता है उसमें 101 से लेके 104 की तक होता है कीपैड का इतिहास टाइपराइटर से शुरू होता है सन 1868 ईस्वी में क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने पहला टाइपराइटर का पेटेंट करवाया था यानी इसका अधिकार लिया था इसके बाद सन 1877 के बाद रेमिंगटन नाम की कंपनी इस फील्ड में आई अभी जो आप कीवर्टी कीपैड यूज कर रहे हैं सन अठारह सौ अठहत्तर ईस्वी में क्रिस्टोपर तथा उसके एक दोस्त जेम्स डेंसमोड डेवलप किया था यूज ऑफ सम कीज बैक स्पेस की डिलीट्स द कैरेक्टर जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। अर्थात बैक स्पेस की का काम है जहां पर कर्सर रहता है उसके लेफ्ट से कैरेक्टर को डिलीट करना एक एक करके कैरेक्टर को डिलीट करता है यानी जहां कर्सर है उसके लेफ्ट से कैरेक्टर को डिलीट करेगा डिलीट की समटाइम्स लेबल्ड डेल डिलीट्स द कैरेक्टर टू द राइट ऑफ द कर्सर और द सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट अर्थात डिलीट की का काम है जहाँ पे कर्सर हो उससे राइट जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को एक एक करके डिलीट करता है यानी अपने से राइट जो भी कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए डेल की का यूज करते हैं कर्सर जहाँ हो वहाँ से अगर लेफ्ट कैरेक्टर को डिलीट करना हो तो बैक स्पेस का यूज करेंगे और वहाँ से राइट अगर डिलीट करना हो तो डेल की का यूज करेंगे अगर कैरेक्टर सेलेक्टेड हो या वर्ड सेलेक्टेड हो या सेंटेंस सेलेक्टेड हो या पैराग्राफ सेलेक्टेड हो और उसे एक बार में डिलीट करना हो तो डेल की को प्रेस कीजिए यानी सेलेक्ट करने के बाद डेल की एक बार प्रेस कीजिए आपका जो भी सिलेक्टेड डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा एंटर की यूज टू इंटर कमांड्स और टू मूव द कर्सर टू द beginning ऑफ द नेक्स्ट लाइन अनदर नेम ऑफ दिस की इज रिटर्न key. जब कंप्यूटर में प्रोसेस करने के लिए कुछ डाटा या इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं तो देने के बाद कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि मेरा काम हो गया अब आप अपना काम कीजिए तो इस स्थिति में इंटर की प्रेस करते हैं जब भी इंटर की किसी कमांड को देना हो तो इंटर की का यूज करते हैं यानी इंटर की सीपीयू को बताता है कि अब काम आगे आप कीजिए या कहीं आप कुछ लिख रहे हैं और नेक्स्ट लाइन में जाना हो तो उसके लिए इंटर की का यूज करते हैं यानी इंटर की प्रेस करने के बाद आप नेक्स्ट न्यू लाइन पे चले जाते हैं इसका दूसरा नाम रिटर्न की भी है ई एस सी की शॉर्ट फॉर एस्केप दिस की इज यूज टू सेंड स्पेशल कोड्स टू डिवाइस एंड टू एग्जिट और एस्केप फ्रॉम प्रोग्राम्स एंड टास्क एस्केप की का काम है किसी काम से बाहर निकलना कोई काम कर रहे हैं और उस काम से आप बाहर निकलना चाहते हैं तो एस्केप की को प्रेस कीजिए उससे आप बाहर निकल जाइएगा जैसे इसका यूज ज्यादातर टैली में होता है टैली में अगर आपको बाहर निकलना हो तो स्केप की और इंटर की प्रेस कीजिए आप बाहर निकल जाइएगा तो हर जगह इसका अलग अलग काम है लेकिन स्केप की का मुख्य काम है बाहर निकलना यानी एक्जिट होना किसी भी प्रोग्राम से किसी भी वर्क से एग्जिट होना फंक्शन की स्पेशल कीज लेवल्ड एफ वन टू एफ ट्वेल्व डीज कीज मीनिंग्स डिपेंडिंग ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग एफ़ वन से लेके एफ बारह तक फंक्शन की है यह बारह की होता है जिसका काम हर प्रोग्राम में अलग अलग होता है यानी जैसा आप प्रोग्राम यूज कर रहे हैं उसमें इसका काम अलग अलग होता है जैसे विंडोज में आप वन की अगर प्रेस कर रहे हैं तो इसके द्वारा आप हेल्प प्राप्त कर सकते हैं किसी भी ढंग का हेल्प लेना हो तो ए की आप प्रेस कीजिए फोल्डर को या फाइल को आप रीनेम करना चाहते हैं तो उसके लिए एफ की प्रेस कीजिए और उसे रीनेम कर दीजिए सी टी आर एल की शॉर्ट फॉर कंट्रोल दिस की इज यूज इन कंजंक्शन विथ अदर की टू प्रोड्यूस कंट्रोल कैरेक्टर्स द मीनिंग ऑफ इच कंट्रोल कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन विच प्रोग्राम इज रनिंग कंट्रोल की को शॉर्ट में सी की कहा जाता है इस की का काम है दूसरे की के साथ जुड़ के और स्पेशल काम करना जैसे एम एस वर्ड में आप काम कर रहे हैं और किसी फाइल को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एस बटन प्रेस कीजिएगा तो सेव हो जाएगा तो ये किसी और की के साथ जुड़ के और स्पेशल वर्क को परफॉर्म करता है अल्ट की शॉर्ट अल्टरेशन दिस की इज लाइक अ सेकेंड कंट्रोल की इसे सेकेंड कंट्रोल की भी कहा जाता है अल्ट की भी किसी दूसरे की के साथ मिलके और स्पेशल वर्क को करता है जैसे कंप्यूटर को बंद करना है तो अल्ट के साथ ए फोर फंक्शन की प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर बंद हो जाता है एरोकीज इन एवल्स यू टू मूव द कर्सर अप डाउन राइट और लेफ्ट ये की चार है अप की है डाउन की है राइट right की है लेफ्ट की है इस की के द्वारा आप किसी चीज़ को इडिट कर सकते हैं जैसे कहीं आप कुछ लिखने का काम कर रहे हैं और वहाँ पर एडिशन का काम करना है कुछ भी मॉडिफाई करना है तो उसके लिए इस की जैसे ऊपर के लाइन में जाना है तो अप की के द्वारा जाइए नीचे आना है तो डाउन की के द्वारा लेफ्ट साइड जाना है तो लेफ्ट की प्रेस कीजिए राइट जाना है तो राइट right एरो की प्रेस कीजिए इसे एडिट की भी कहा जाता है कैप्स लॉकल की डैट वेन एक्टिवेटेड कॉजेज ऑल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स टू बी अपर केस नॉर्मली जब हम अल्फाबेट प्रेस करते हैं ए बी सी डी तो स्मॉल लिखाता है और अगर आप इसे कैपिटल लिखना चाहते हैं हमेशा के लिए कैपिटल लिखना चाह रहे हैं तो कैप्स लॉक को एक बार प्रेस कर दीजिए ये ऑन हो जाएगा एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद आप जो भी कैरेक्टर लिखेंगे वो आपका कैपिटल लेटर में लिखाएगा ऐसे नॉर्मली आपका स्मॉल लेटर ही लिखाता है ऐसे दूसरा तरीका भी है शिफ्ट के साथ आप किसी की, की को प्रेस करेंगे तो कैपिटल होगा और शिफ्ट छोड़ देंगे यानी विदाउट शिफ्ट जब उसे आप प्रेस करेंगे तो स्मॉल आपका लिखाएगा लेकिन अगर हमेशा कैपिटल ही लिखना है तो उसके लिए कैप्स लॉक एक बार ऑन कर दीजिए यानी उसे एक बार प्रेस कर दीजिए और उसके बाद जो भी लिखना है लिखते रहिए वो आपका कैपिटल लिखाएगा फिर स्मॉल लिखना हो तो कैप्स लॉक फिर से एक बार प्रेस कीजिए स्मॉल लिखाना शुरू हो जाएगा सिफ्ट की अ की ऑन कंप्यूटर कीबोर्ड डेट गिवस द अदर कीज एंड अल्टरनेट मीनिंग वेन कंबाइंड विथ अल्फाबेटिक कीज द शिफ्ट की कॉजेज द सिस्टम टू आउटपुट अ कैपिटल लेटर द शिफ्ट की कैन ऑल्सो भी कम्बाइंड विथ अदर कीज टू प्रोड्यूस प्रोग्राम डिपेंडेंट रिजल्ट अभी हमने जस्ट आपको बताया कि शिफ्ट की के द्वारा आप कैपिटल लेटर लिख सकते हैं जब भी आपको कैपिटल लिखना हो तो शिफ्ट प्रेस कीजिए और शिफ्ट के साथ जो भी की लिखना है उसे आप लिखिए विदाउट शिफ्ट आप जब लिखेंगे तो स्मॉल लिखाएगा टाइपिंग में इसका काफी यूज होता है कैप्सलॉक का यूज नहीं होता है टाइपिंग में जब भी यूज करना हो तो शिफ्ट के साथ शिफ्ट दो साइड लेफ्ट साइड भी शिफ्ट होता है आपका और राइट right साइड भी शिफ्ट रहता है आपके हाथ के कीबोर्ड में लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में दोनों का यूज होता है टाइपिंग करने के दौरान कैप्सलॉक का यूज नहीं किया जाता है सिंबल कीच हमारे कीबोर्ड में कुछ स्पेशल सिंबल दिया हुआ है जिसका यूज आप कर सकते हैं जैसे एज द रेट है हेज है परसेंट है एस्ट्रिक um, है प्लस है माइनस है ऐसे करके बहुत सारा स्पेशल सिंबल है जिसका यूज आप कर सकते हैं जब भी आपको इसका ज़रूरत हो और इसके अलावा बहुत सारा सिंबल होता है अगर आप एम एस वर्ड एम एस ऑफिस जानते हो एम एस वर्ड है एम एस पावर पॉइंट है तो इसमें आप बहुत सारे सिंबल की को इंसर्ट कर सकते हैं नंबर कीज़ जीरो से लेके नाइन तक आपके पास नंबर की है ये आपके कीबोर्ड में दो जगह होता है एक तो आपका नंबर पैड है नम पैड वहाँ पे होता है जीरो से लेके नाइन तक और एक है आपके कीबोर्ड में फंक्शन की के नीचे दिया हुआ रहता है जिसके साथ आपका सिंबल की भी होता है यानी सिंबल की और नंबर की दोनों साथ साथ होता है ये हमेशा आप यूज कर सकते हैं लेकिन जो की पैड टाइप का जो राइट साइड में दिया हुआ रहता है कीबोर्ड में वहाँ पर एक नम लॉक नाम का बटन दिया हुआ है उस बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो आपका नम लॉक एक्टिवेट हो जाता है और नंबर आपका प्रेस होगा और जब आपका नम लॉक की बंद रहेगा यानी वो आपका जब बंद किए हुए रहेंगे तो उस स्थिति में आपका नंबर टाइप नहीं होगा तो हमेशा याद रहे कि लॉक आपका एक्टिवेट रहे यानी चालू रहे लेटर्स की ए टू जेड आप जो प्रेस करते हैं अल्फाबेट वो आपका लेटर है जिसे लेटर की कहा जाता है टोगल कीज कैप्स लॉक एंड लॉक कैप्स लॉक एंड नम लॉक कीज आर कॉल्ड टूवेल्व की बिकॉज वीन प्रेस्ड दे चेंज देयर स्टेटस अभी जस्ट हमने आपको बताया कि कैप्स लॉक को जब प्रेस करते हैं तो कैपिटल लिखाने लगता है और जब कैप्स लॉक को फिर से प्रेस करते हैं तो स्मॉल प्रेस होता है नम लॉक अगर चालू है तो आपका नंबर लिखाएगा और अगर चालू नहीं है तो नम लॉक आपका अगर आपका बंद है तो नंबर नहीं लिखाएगा तो ये दोनों की जो है जब भी प्रेस होता है तो ये अपने स्टेटस को चेंज कर रहा है यानी इसके साथ जो भी काम होता है वो चेंज हो जाता है और इसी के लिए इसे टोवेल की कहा जाता है कीबोर्ड पंक्चुएशन कैरेक्टर्स यहाँ पर कीबोर्ड के कुछ कैरेक्टर को बताया गया है कुछ सिंबल को बताया गया है जिसका यूज हमेशा होता है जिसको नाम के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है जिसे ध्यान में रखना बहुत जरूरी है जैसे सेमी कॉलन है कॉलन है कॉमा है डबल कोट है सिंगल कोट है तो ये सब ध्यान में रखिएगा जिसका यूज हमेशा आगे होगा आप सभी को माउस माउस इज अंड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस डेट कंट्रोल्स अ करसर इन अ जी यू आई एंड कैन मूव एंड सेलेक्ट टेक्स्ट आइकन्स फाइल्स एंड फोल्डर्स इट इन्वेंटेड बाय डोगलास इंगल बर्ट इन नाइनटीन सिक्सटी माउस एक हैंड हेल्ड हार्डवेयर इनपुट डिवाइस है हैंड हेल्ड का मतलब होता है वह डिवाइस जिसे आप हाथ में ले यूज कर सकते हैं तो माउस हाथ में लेके आप यूज करते हैं इसे इसलिए इसे हैंड हेल्ड इनपुट डिवाइस कहा जाता है डेट कंट्रोल्स अ कर्सर इन अ जी यू आई जी यू आई का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पहले एप्लीकेशन जो भी डेवलप्ड होता था जिस पर हम लोग काम करते थे वो था कैरेक्टर यूजर इंटरफेस सी यू आई जिसमें कमांड के द्वारा काम होता था यानी कमांड बेस्ड एप्लीकेशन था उसमें माउस का कोई यूज नहीं होता था जैसे डॉस है डॉस में कोई भी काम करना होता था तो कमांड आप प्रेस करते कमांड लिखते फिर इंटर की प्रेस करते तब आपका काम होता था जैसे डेट देखना हो या टाइम देखना हो या स्क्रीन को क्लियर करना हो या आपको फोल्डर बनाना हो या फोल्डर को रीनेम करना हो या फोल्डर को एक जगह से दूसरे जगह कॉपी करना हो या मूव करना हो जो भी काम करना हो उसके लिए कमांड का यूज करना पड़ता था तो वो था आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस यानी यूजर का वह इंटरफेस जिसमें कैरेक्टर के द्वारा काम हो कमांड के द्वारा काम हो कमांड यानी कुछ वर्ड जैसे मूव करना था तो मूव कमांड था अगर रीनेम uh, करना है तो रेन कमांड था फाइल बनाना है तो एम डी कमांड था इस ढंग से बहुत सारा कमांड था जिसको याद करना पड़ता था या उसको लिख के रखिए फिर उसका यूज कीजिए ये बहुत हार्ड हुआ करता था तो उसके बाद जी यू आई आया ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें सामने आपको ग्राफ दिखाई देता है यानी सामने दिखाई दे रहा है और उसके आधार पर आप काम कीजिए तो उसको यूज करने के लिए माउस का प्रयोग करते हैं यानी माउस के द्वारा माउस के द्वारा कर्सर को कंट्रोल किया जाता है और फिर वो काम होता है तो इस माउस के द्वारा आप टेक्स्ट को आइकन को फाइल्स को फोल्डर को इसको मूव कीजिए सेलेक्ट कीजिए जो भी करना है माउस के द्वारा कर सकते हैं इस माउस का निर्माण उन्नीस ईस्वी में डोगलास इंगलबर्ड के द्वारा हुआ था यानी डोगलास इंगलबर्ड ने इसे इन बनाया था उन्नीस ईस्वी में टाइप्स ऑफ माउस माउस के प्रकार अ बॉल माउस अ ट्रैक बॉल माउस इज अ प्वाइंटिंग डिवाइस इट कंटेन्स ऑफ अ बॉल हेल्ड बाय अ सॉकेट कंटेनिंग सेंसर्स टू डिटेक्ट अ रोटेशन ऑफ द बॉल ट्रैक बॉल माउस माउस का एक टाइप है यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है इसमें एक बॉल लगा हुआ रहता है जिसमें सॉकेट के द्वारा बॉल को सेट किया जाता है सॉकेट इसलिए लगा होता है ताकि ये किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सके आसानी से द यूजर रोल्स द बॉल विथ द द फिंगर्स और पाम ऑफ द हैंड टू मूव अ प्वाइंट इस बॉल को आप अपने थम से फिंगर से या हथेली से किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकते हैं वी डू नॉट नीड टू मूव द होल डिवाइस फॉर मूविंग द ग्राफिकल ग्राफिक्स कर्सर इसमें पूरे डिवाइस को मूव करने की ज़रूरत नहीं है कर्सर को मूव करने के लिए जैसे माउस में है कि माउस को पकड़ के इधर उधर थोड़ा बहुत करना पड़ता है एक जगह से दूसरे जगह उसको थोड़ा सा खिसकाना होता है ताकि वो काम करे उसका पॉइंटर काम करे लेकिन ट्रैक बॉल में ऐसी बात नहीं है ट्रैक बॉल जहाँ है वहीं पे रहेगा ये बस वहीं से काम हो जाता है ट्रैक बॉल रिक्वायर्स लेस स्पेस देन अउस फॉर ऑपरेशन एंड इट ऑफ एन अटैच टू और बिल्ट इन टू द कीबोर्ड यानी ट्रैक बॉल को बहुत कम जगह की जरूरत होती है ट्रैक बॉल एक जगह से दूसरे जगह उसको मूव uh, करना नहीं है तो माउस की तरह तो इसको जगह की जरूरत बहुत कम होती है माउस ज्यादा जगह लेता है और ट्रैक बॉल बहुत कम जगह लेता है और ये जनरली की के साथ अटैच किया हुआ रहता है नॉर्मली लैपटॉप यूज ट्रैक बॉल्स बिल्ट इन टू द कीबोर्ड नॉर्मली लैपटॉप में ट्रैक बॉल का यूज किया जाता है, ball, में जो आप देखते है उसे ही ट्रैक बॉल कहा जाता है ट्रैक बॉल कम्स एंड फॉर्म्स विध समलिटी थ्री कॉमनली यूज सेप आर बॉल बटन एंड स्क्वायर यानी इसका तीन सेप है एक बॉल सेप है दूसरा बटन है और तीसरा स्क्वायर यानी इस तीनों सेप में ये आता है ट्रैक बॉल इज अ प्रेफर्ड डिवाइस फॉर सी ए डी सी ए एम एप्लीकेशंस यानी ट्रैक बॉल का ज्यादातर यूज सी ए डी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में और कंप्यूटर एडेड मैनुफैक्चरिंग में किया जाता है अल्ट्रासाउंड मशीन में भी ट्रैक बॉल का ही यूज किया जाता है ऑप्टिकल माउस एंड ऑप्टिकल माउस इज अ कंप्यूटर पॉइंटिंग डिवाइस डेट यूजेज अ लाइट इमिटिंग डायोड एंड ऑप्टिकल सेंसर एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग इन इंस्टेड ऑफ अ ट्रेडिशनल माउस ऑप्टिकल माउस लाइट इमिटिंग डायोड के द्वारा चलता है जिसमें ऑप्टिकल सेंसर लगा हुआ रहता है डिजिटल सिग्नल के द्वारा ये प्रोसेस करता है ट्रेडिशनल माउस से ये अच्छा होता है पुराना माउस जो था उससे अच्छा ये है ये आ, लाइट इमिटिंग डायोड के द्वारा काम करता है यह माउस का एक टाइप है वायरलेस माउस द माउस विदाउट वायर और कोड इज कॉल्ड वायरलेस माउस और कॉर्डलेस माउस मोस्ट वायरलेस माउस यूज रेडियो फ्रीक्वेंसी आर एफ टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू योर कंप्यूटर सिंस आर एफ डिवाइसिस रिक्वायर टू मेन कंपोनेंट्स अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर यानी कुछ माउस विदाउट वायर होते हैं जिसे वायरलेस माउस कहा जाता है इसमें कोई वायर होता नहीं है ये रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा काम करता है जिसमें दो कंपोनेंट का होना बहुत जरूरी है इसमें एक होता है ट्रांसमीटर जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल को और एक रिसीवर जो सिग्नल को रिसीव करते हैं अ ज्वाइस्टिक इज एन इनपुट डिवाइस कॉमनली यूज्ड टू कंट्रोल वीडियो गेम्स जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से वीडियो गेम को कंट्रोल किया जाता है यानी वीडियो गेम को खेलने के लिए जॉयस्टिक का यूज किया जाता है कंसिस्ट ऑफ इन एनी डायरेक्शन आधार होता है और साथ में एक लगा हुआ होता है जो किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकता है टू मेक द मूवमेंट्स ऑफ द स्पेरिकल बॉल इजियर इट इज प्लेस्ड इन अट विस्टिक माउंटेड ऑन इट यानी एस्टिक के मूवमेंट को इजी बनाने के लिए इसमें एक सॉकेट लगा होता है जो स्टिक को आसानी से किसी भी डायरेक्शन में मूव करने देता है यूजर द स्टिक इन हर हैंड एंड मूव्स इट अराउंड टू मूव द एस्पेरिकल बॉल यानी कि यूजर इस स्टिक को हाथ में लेके और किसी भी डायरेक्शन में आसानी से मूव कर सकता है जिस डायरेक्शन में इसको जरूरत हो द यूजर कैन मूव द स्टिक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेफ्ट और राइट टू मूव एंड पोजिशन द ग्राफिक्स कर्सर एट अ डिजायर्ड पोजिशन यानी जिस पोजिशन पर भी आपको कर्सर को ले जाना हो आप उसके लिए इस एस्टिक को हाथ में लीजिए और किस, उस डायरेक्शन में मूव कीजिए द फर्स्ट जो एस्टिक वॉज इन्वेंटेड एट द यू एस नेवल रिसर्च लेबोरेट्री बाई सी बी मिरिक यानि यूएस नेवी रिसर्च लेबोरेटरी में इसका निर्माण किया गया था सन नाइनटीन ट्वेंटी सिक्स में इसका यूज है गेम खेलने के लिए गेमिंग के लिए फ्लाइट सिमुलेटर्स के लिए फ्लाइट सिमुलेटर्स यानी फ्लाइट को चलाने का ट्रेनिंग जो दिया जाता है उसमें इसी का यूज किया जाता है रिमोट कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट यानी रोबोट इंडस्ट्रियल रोबोट को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है आप जनरली अब देख रहे हैं कि रोबोट को उड़ाने के लिए उसको चलाने के लिए जो का यूज किया जाता है तो जो का यूज बहुत ज़्यादा हो रहा है लाइट पेन अ लाइट पेन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ ए लाइट सेंसिटिव वांड यूज्ड इन कंजंक्शन विथ अ कंप्यूटर्स सीआरटी डिस्प्ले लाइट पेन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस है जो लाइट सेंसिटिव वांड के तौर पे काम करता है जिसे सीआरटी के द्वारा यानी सीआरटी पर इसको यूज किया जाता है द पेन हैज अ फिंगर ऑपरेटेड बटन इस पेन में फिंगर ऑपरेटेड बटन होता है विच द यूजर क्लिक्स टू सेलेक्ट एन ऑप्शन फ्रॉम द स्क्रीन जिसके द्वारा यूजर स्क्रीन से अपने ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकता है द फर्स्ट लाइट पेन वॉज इन्वेंटेड बाय वेन गार्ली इन 1959, यानी 1959 में लाइट पेन का निर्माण हुआ था डॉक्टर्स, डेंटिस्ट यूज लाइट पेन यानी डॉक्टर लाइट पेन का यूज करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन सी ए डी एप्लीकेशंस ऑल्सो यूज लाइट पेन फ्रिक्वेंटली यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन में भी लाइट पेन का यूज होता है यानी यह या एक तरह का इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से कंप्यूटर में आप डाटा को इंटर करते हैं राइटिंग पेन विथ पैड This type of electronic pen comes with a special type of writing pad. A user writes on the pad with the electronic pen whatever data he/she wants to input in the computer. Modern PDA (personal digital assistants) offer this feature. Moreover, signatures and messages stored and transferred as graphics images are input with the use of this device a writing pen with pad यह एक इलेक्ट्रॉनिक पिन होता है जिसके साथ स्पेशल पैड आता है इस पैड पर आप जो भी लिखेंगे ये जिस कंप्यूटर से अटैच रहता है डायरेक्ट वहाँ पे ये जाके सेव हो जाता है जैसे एक साइन करना है तो साइन करने के बाद किसी एप्लीकेशन में रखना है कंप्यूटर में तो साइन कीजिए साइन करने के बाद एक इनपुट डिवाइस होता है स्कैनर उस स्कैनर पर उसको रखिए स्कैन कीजिए फिर उसको बनाइए जो भी साइज है जिस साइज का आपको चाहिए और उसके बाद उस एप्लीकेशन में उसको अटैच कीजिए जैसे ऑनलाइन हम लोग फॉर्म फिलअप करते हैं उसमें सिग्नेचर का ज़रूरत होता है तो सिग्नेचर करने के बाद उसको स्कैन करके और उस ढंग से काम करते हैं तो उसमें लंबा समय लग जाता है और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ इतना समय है नहीं काम के लिए जैसे डी एल ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो वहाँ पर क्या है कि सिग्नेचर की ज़रूरत होती है तो उतना स्कैन करके वो काम करेगा नहीं तो वहाँ पे पैड का यूज किया जाता है बस उस पर आप लिखिए और जो भी लिखिएगा उस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक जाके आपका सिग्नेचर सेव हो जाता है तो वहाँ पे इसका यूज काफ़ी होता है और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट में पी में इसका यूज होता है बस लिखने के लिए उसको निकालिए और जो भी लिखना है आसानी से उसमें लिखिए ये मोबाइल के साथ में ही आता है उसमें अटैच किया हुआ रहता है निकाल के और उसको यूज कर लीजिए टच स्क्रीन टच स्क्रीन इज द मोस्ट सिंपल एंड ईजिएस्ट टू यूज ऑफ ऑल इनपुट डिवाइसेस इनेबल्स द यूजर टू इंट्रैक्ट डायरेक्टली विथ वाट इज डिस्प्लेड टच स्क्रीन्स आर कॉमन इन डिवाइसेस सच एज गेम कंसोल्स पर्सनल कंप्यूटर्स टेबलेट कंप्यूटर्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स स्मार्टफोन्स एक्जेट्रा टच स्क्रीन सबसे ईजी और सबसे सिंपल इनपुट डिवाइस है जो यूजर को डायरेक्ट दिखाई देता है यानी कि सामने आप देखिए और हाथ से टच कीजिए और वो आपके डिवाइस में इंटरनली स्टोर या जो भी वर्क होना है वो आसानी से वर्क होता है यानी टच स्क्रीन सबसे सिंपल है आपके मोबाइल में टच स्क्रीन है आपके लैपटॉप में टच स्क्रीन है जहाँ भी टच स्क्रीन का यूज किया जा रहा है सामने दिखाई दे रहा है उस सेंटेंस को उस वर्ड को जो भी डाटा है उस डाटा को पढ़िए और उसके रिगार्डिंग आप उसको टच कीजिए और काम कीजिए तो बहुत इजी इनपुट डिवाइस है टच स्क्रीन इमेज स्कैनर इट ट्रांसलेट्स पेपर डॉक्यूमेंट्स इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट फॉर स्टोरेज इन अ कंप्यूटर द इनपुट डॉक्यूमेंट्स में बी टाइप्ड टेक्स्ट, पिक्चर्स ग्राफिक्स और इवेन हैंडराइटिंग मटेरियल्स इमेज स्कैनर पेपर डॉक्यूमेंट को स्कैन करके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कंप्यूटर में स्टोर करता है जैसे आपको आपके पास हार्ड कॉपी है कुछ भी और उसे आप कंप्यूटर में रखना चाहते हैं तो उसके लिए स्कैनर आता है स्कैनर पर रखिए स्कैन कीजिए और कंप्यूटर में आपका स्टोर हो जाएगा जैसे फ़ोटो से फ़ोटो बनवाना है मार्केट में आप जाते हैं फोटो बनवाने के लिए तो फ़ोटो को लेता है स्कैनर पर डालता है स्कैन करता है और फ़ोटो से फ़ोटो बना के और फिर प्रिंट करके आपको दे देता है तो इमेज स्कैनर क्या करता है कि आपके डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर करता है चाहे वह पिक्चर हो ग्राफिक्स हो या राइटिंग कुछ भी आप लिखे हुए हो यह सब आसानी से स्टोर होता है टू कॉमनली यूज टाइप ऑफ इमेज स्कैनर आर यानी इमेज स्कैनर दो प्रकार का होता है फ्लैट बेड स्कैनर अ फ्लैट बेड स्कैनर इज लाइक अ अपियर मशीन इट प्रोवाइड्स अ फ्लैट ग्लास सरफेस टू होल्ड अ सीट ऑफ पेपर बुक और अदर ऑब्जेक्ट फॉर स्कैनिंग यानी फ्लैट वेर स्कैनर कॉपियर मशीन के तरह होता है जिसके द्वारा आप स्कैन करते हैं और दूसरा है हैंड हेल स्कैनर हैंड हेल स्कैनर ए हैंड हेल स्कैनर इज ए स्मॉल एंड लेस एक्सपेंसिव देन अदर स्कैनर ए यूजर होल्ड्स इट इन हैंड एंड स्कैन द डॉक्यूमेंट्स इट वर्क विथ द हेल्प ऑफ लाइट इमिटिंग डायोड्स यह लाइट इमिटिंग डायोड के द्वारा काम करता है और यह हैंड हेल स्कैनर है यानी हाथ में लीजिए और आसानी से काम कीजिए यह छोटा होता है और कम एक्सपेंसिव होता है तो इसका यूज भी काफी होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनीसन ओ द ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकोगनीसन और Optical character reader scanner is equipped with character recognition software called OCR software which converts images of characters to equivalent ASCII ASCII the scanner first creates the bitmap image of the document and then the OCR software translates into ASCII text ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन एक स्कैनर है जिसमें ओ सॉफ्टवेयर लगा होता है जिसके माध्यम से ये क्या करता है सारे इमेज को स्कैन करके यानी सारे कैरेक्टर को स्कैन करके और की कोड में कन्वर्ट करता है की अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में जानेंगे कि ए क्या है इसका यूज क्या है कैसे यूज होता है द स्कैनर फर्स्ट क्रिएट द बीट मैप इमेज यानी ये बता रहा है कि पहले इसको बीट मैप इमेज में कन्वर्ट करता है डॉक्यूमेंट को और उसके बाद ओ सी आर सॉफ्टवेयर के द्वारा आज की कोड में आज की टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है यानी यह एक इनपुट डिवाइस है जो किसी भी डाटा को स्कैन करके और कंप्यूटर में ए एस सी आई आई टेक्सट में कन्वर्ट करके सेव कर देता है Optical Mark Reader OMR Optical Mark Reader or Optical Mark Recognition is a scanner which can recognize a pre specified type of mark made by pen or pencil. The technique used by an OMR device for recognition of marks on a document involves focusing on a light beam on the document and detecting the reflected light pattern from the marks. ओ एम आर एलाउज फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स पर आवर ओ एम आर नाम सुने होंगे ओ एम आर सीट जिसके द्वारा एग्जाम हुआ करता था अभी भी बहुत सारा एग्जाम ओ एम आर सीट के माध्यम से होता है ऐसे तो ऑनलाइन सारा एग्ज़ाम होने लगा लेकिन कुछ एग्ज़ाम ओ एम आर सीट के माध्यम से होता है तो ओ एम आर सीट क्या है एक कागज़ पे स्पेशल टाइप का मार्क बना हुआ होता है पेन और पेंसिल से पहले से गोल करके बना होता है और आपको दिया जाता है कि इसको फिल कीजिए या तो ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से उसको फिल कर दीजिए और बाद में इसको पढ़ा जाता है कैसे तो ओ एम आर ओ एम आर एक है ऑप्टिकल मार्क रीडर एक यंत्र है जिस पर उसको रख दिया जाता है और उसको स्कैन किया जाता है तो पहले से उसका रिजल्ट कंप्यूटर में तैयार रहता है और बस यहाँ से स्कैन करके और उसको कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है तो ये जो है टेक्निक ओ एम आर डिवाइस यूज जो करता है वो फोकसिंग अ लाइट बीम यानी लाइट बीम के द्वारा उसको फोकस करता है उस डॉक्यूमेंट पे और उस डॉक्यूमेंट को डिटेक्ट करता है उसके लाइट को रिफ्लेक्ट जो लाइट होता है उसके द्वारा उस मार्क को पढ़ा जाता है तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है जिसके माध्यम से स्पेशल टाइप के पैटर्न को पढ़ने का काम किया जाता है यानी इंटर करने का यानी यह या एक इनपुट डिवाइस है बार कोड रीडर बी सी आर बार कोड बार कोड रीडर समझने के लिए पहले बार कोड को जान ले बार कोड डाटा कोडेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल लाइंस, एज एज बार्स बार कोड्स रिप्रेजेंट अल्फा न्यूमरिक डाटा बार कोड क्या है तो बार कोड डाटा कोडेड इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल लाइन यानी छोटे छोटे स्मॉल लाइन होते हैं जिसमें कुछ डाटा कोड करके रखा हुआ होता है कंप्यूटर के द्वारा इसे पढ़ा जाता है यानी इस डाटा को पढ़ने के लिए स्पेशल टाइप के डिवाइस की ज़रूरत होती है इसमें कुछ इंफॉर्मेशन होता है इसका यूज अब हर जगह होता है एक नॉर्मल आप अगर आ, कपड़ा खरीद रहे हैं तो कपड़े पर है एक किताब ले रहे हैं तो किताब पे है एक पेन ले रहे हैं तो पेन है माउस है कीबोर्ड है जो भी आप सामान लेते हैं इवेन अब बैंक में इसका यूज होता है पासबुक के पीछे या पासबुक पे कहीं भी बार कोड चिपकाया हुआ रहता है और बार कोड के द्वारा आपके सारे डाटा को निकाला जाता है तो बार कोड क्या है कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन आप, आपका डाला हुआ रहता है जिस फील्ड का बार कोड है उस फील्ड का सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दिया हुआ रहता है तो इस बार कोड को पढ़ने के लिए बार कोड रीडर का यूज होता है इसमें अल्फा न्यूमरिक डाटा होता है अल्फा न्यूमरिक यानी अल्फाबेट भी होगा और नंबर भी होगा दोनों के कॉम्बिनेशन से डाटा का निर्माण होता है उसे अल्फा न्यूमरिक डाटा कहा जाता है बारकोड रीडर ये बारकोड रीडर इज अ डिवाइस फॉर रीडिंग बारकोडेड डाटा यानी बार कोडेड डाटा को यानी बार कोड को पढ़ने के लिए बारकोड रीडर का यूज किया जाता है इट स्कैन्स बार कोडेड इमेज एंड कन्वर्ट इट इनटू अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यू यानी ये क्या करता है कि इमेज को स्कैन करता है और अल्फा न्यूमरिक वैल्यू में यानी अल्फ़ाबेट और नंबर में कन्वर्ट करता है और कन्वर्ट करने के बाद जिस कंप्यूटर से यह अटैच होता है उस कंप्यूटर में इसको सेव कर देता है ए बारकोड रीडर यूज लेजर बीम स्कैनिंग टेक्नोलॉजी यह लेजर बीम टेक्नोलॉजी का स्कैनिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है जनरली मॉल वगैरह में आप देखते होंगे शॉपिंग मॉल में या शॉप वगैरह में आप देखते हैं कि बार कोड का यूज किया जाता है आप कोई सामान खरीदे एक बुक लिए बस कुछ नहीं किया बार कोड स्कैनर के द्वारा बार कोड को स्कैन किया और उसके द्वारा उसका प्राइस या जो भी उसका नाम है वो टोटल उसके स्क्रीन पे आ जाता है और बिलिंग हो जाता है तुरंत तो काम बहुत आसान हो गया इसके माध्यम से बहुत जल्दी काम हो जाता है पहले मैनुअली काम होता था जिसमें बहुत कठिनाई होती थी समय लगता था मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन एम आई सी आर एम आई सी आर इज सिमिलर टू ओ सी आर एम आई सी आर ओ सी आर की ही तरह है इट इज़ यूज टू वेरीफाई द ओरिजिनलिटी ऑफ पेपर डॉक्यूमेंट यानी पेपर डॉक्यूमेंट के ओरिजिनलिटी को जांचने के लिए एम आई सी आर का यूज किया जाता है ए स्पेशल इंक विच इज सेंसिटिव टू मैग्नेटिक फील्ड्स इज यूज इन द प्रिंटिंग ऑफ सर्टेन कैरेक्टर्स ऑन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैंकिंग इंडस्ट्री यूजेज इट फॉर फास्टर प्रोसेसिंग ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ चेक्स यानी डॉक्यूमेंट के ओरिजिनलिटी को चेक करने के लिए एम का यूज किया जाता है और हर फील्ड में एम का यूज होता है जैसे यहाँ बताया गया है कि बैंक में एम का यूज होता है चेक को जांचने के लिए आप जो भी चेक लेके जाते हैं वो सही है गलत है डुप्लीकेट बना हुआ है तो उसको जांचने के लिए एम का यूज किया जाता है ये फास्ट काम करता है जल्दी से ये चेक को जांच करके बता देता है तो एम एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में किसी चीज़ को स्कैन करके और वहाँ से जांच करता है फिर आपको रिजल्ट देता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स आर स्मॉल प्लास्टिक कार्ड्स हैविंग इनकोडेड डाटा अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेशन फॉर विच दे आर यूज इलेक्ट्रॉनिक कार्ड क्या है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एक, एक स्मॉल प्लास्टिक का कार्ड है जिसमें कुछ डाटा इनकोड करके यानी छुपा के उसमें रखा हुआ रहता है जिस एप्लीकेशन का या जिस डिपार्टमेंट का जहाँ का ये कार्ड है जैसे इंश्योरेंस सेक्टर का कार्ड है तो वहाँ का डाटा उसमें डाला हुआ रहेगा अगर आप बैंक का कार्ड यूज कर रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड आपका डाटा रह रहेगा उसमें अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं जॉब कार्ड है तो जॉब से रिलेटेड उसमें डाटा डाला हुआ रहेगा तो इस कार्ड के डाटा को आप नॉर्मली रीड नहीं कर सकते हैं उसे रीड करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर का यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर एंड इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर नॉर्मली कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर रीड्स द डाटा इनकोडेड ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एंड ट्रांसफर्स इट टू द कंप्यूटर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर क्या करता है नॉर्मली यह एक कंप्यूटर से कनेक्ट रहता है और ये जो कार्ड पे डाटा इनकोड करके रखा हुआ रहता है उसको पढ़ता है और पढ़ने के बाद कंप्यूटर को दे देता है आगे के काम को करने के लिए जैसे आप कहीं पे सामान परचेज किए और वहाँ पे आपको कार्ड से पेमेंट करना है तो कार्ड से पेमेंट करना है एक मशीन स्वैप मशीन लगा हुआ है उस पर आप अपने कार्ड को स्वैप किए तो कार्ड को जैसे ही स्वैप किए जिस मशीन पर स्वैप मशीन पर कार्ड को स्वैप किए वो मशीन आपका इलेक्ट्रॉनिक कार्ड रीडर है यानी कि कार्ड को रीड करने का मशीन है और रीड करने के बाद फिर उसका कोई यूज नहीं है वो सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर जिस कंप्यूटर से वो अटैच रहता है उस कंप्यूटर को दे देता है और उसके बाद आगे का काम कंप्यूटर करता है स्पीच रिकोगमिशन डिवाइस और स्पीच रिकोग डिवाइस इज एन इनपुट डिवाइस विथ द एबिलिटी टू डिकोड द ह्यूमन वॉयस यानी यह एक इनपुट डिवाइस है जो आदमी के आवाज़ को डिकोड करता है इट अलाउ अ पर्सन टू इनपुट डाटा टू अ कंप्यूटर सिस्टम बाय स्पीकिंग टू इट यानी इसमें जब आप कुछ बोलते हैं तो उसको रिकॉर्ड करता है कंप्यूटर में यानी ये कंप्यूटर में रिकॉर्ड करने के लिए साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए इसका यूज किया जाता है स्पीच रिकॉग्निशन इज कॉमनली यूज टू ऑपरेट अ डिवाइस परफॉर्म कमांड्स और राइट विदाउट हैविंग टू यूज अ कीबोर्ड माउस और प्रेस एनी बटन यानी इसके माध्यम से आप किसी डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं किसी कमांड को ऑपरेट कर सकते हैं कुछ भी लिख सकते हैं बिना कीबोर्ड या माउस की मदद से जैसे आपके मोबाइल में गूगल असिस्टेंट दिया हुआ है जिसका यूज करते हैं आप कुछ बोले और तुरंत आपका मोबाइल उसे सर्च कर दिया कहीं से भी सर्च करके इंटरनेट के माध्यम से और ला दिया या किसी नंबर को सर्च करना है आप मोबाइल में तुरंत बोलेंगे और गूगल असिस्टेंट उसे सर्च करके दे देगा दे तो ये क्या है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस इसके अंदर लगा हुआ है यानी किसी चीज को यानी आपके साउंड को सुना और उस साउंड को कंप्यूटर को आगे बढ़ा दिया प्रोसेस करने के लिए भीजन इनपुट सिस्टम विजन इनपुट सिस्टम अलाउ तो अ कंप्यूटर टू भी एक्सेप्ट इनपुट बाय सीइंग एन ऑब्जेक्ट अ कंप्यूटर अ विजन इनपुट डिवाइस कंसिस्ट्स ऑफ अ डिजिटल कैमरा विजन इनपुट सिस्टम्स आर ऑफ एन पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रोबोट्स दैट आर यूज्ड फॉर क्वालिटी कंट्रोल एंड असेंबलिंग प्रोसेस विजन इनपुट सिस्टम एक इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का जिसके माध्यम से आप कंप्यूटर में इनपुट करते हैं इनपुट क्या करते हैं जैसे आपका कंप्यूटर सिक्योरिटी इनेवल्ड है जिसमें एक कैमरा लगा हुआ है और उस कंप्यूटर को जब भी ओपन करना चाहते हैं तो ओपन करने के लिए कैमरा में जब आप देखेंगे तो वो आपको वेरीफाई किया करेगा आपके रेटिना को ऑथराइज करेगा वेरीफाई करेगा और तब आपका कंप्यूटर ओपन होगा तो ये जहाँ भी रिसर्च होता है वहाँ पे इस टाइप का सिक्योरिटी uh, uh, लगा हुआ रहता है जहाँ पे आप जब इंटर करेंगे तो उसके पहले आपके रेटिना का या फिंगरप्रिंट का स्कैन स्कैनिंग होगा और उसके बाद ऑथराइज्ड होगा कि ठीक है आप वही हैं तब आपको अंदर जाने देगा तो इसका यूज बहुत ज़्यादा वहाँ पे होता है और इंडस्ट्रियल रोबोट वगैरह में रोबोट सब जो काम करता है उसमें बिजन इनपुट सिस्टम का काफ़ी यूज किया जाता है